कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील क्षेत्र के भुजोली बाजार में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को गोद में ले जाकर उठाने को लोग मजबूर हैं। प्रसव पीड़ित महिलाएं रेफर होने की दशा में जलालत भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। 3 साल में प्रत्येक दिन कितने प्रसव पीड़ित महिलाएं यहाँ भर्ती होती हैं? 2 से 3 हो ही जाते हैं प्रतिदिन। पर डे तो कैसे आती है, किस प्रकार आपके पास पहुंचती? रास्ता का तो बहुत दिक्कतें होती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी लगा हुआ था, बहुत दिक्कतों की सामना करना पड़ता है मरीजों को। अब मान लीजिए कोई मरीज आपके द्वारा रिफर किया जाता है, वो मरीज तो तड़पता होगा, कैसे जाता होगा? वही तो बहुत दिक्कत के साथ जाते मरीज यहाँ से। पानी भी बहुत लग जाती है यहाँ रास्ते में, अगर कोई रास्ता तमाम तरह के आला अधिकारी पहुँचते होंगे जाँच के लिए, वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते क्या? कहने के लिए तो हम लोग बहुत सारे मतलब कहे, लेकिन अभी कोई उसका रिस्पांस नहीं निकला। ग्राम प्रधान से कभी आपने बताया हमने ये रास्ता तो उन्हें ना वहाँ तक बनवाया मोड़ तक, हाँ उसके बाद से अभी कोई बात, हाँ कोई बात नहीं। हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के भुजोली बाजार में, और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं पूरा जिस तरीके से जो है पानी लगा है, मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार दिखाएं। ये रास्ता जो है प्रसव केंद्र ANM सेंटर पे जो है जाता है, आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ से मरीज जो प्रसव के दौरान जो लोग आते हैं वो कितनी दिक्कतों का सामना उनको जो है करना पड़ता होगा। यूपी में इन दिनों बच्चा चोर गिरोह का आतंक तेजी से फैल रहा है, जिससे यूपी के जनपद बुलंदशहर में बच्चा चोर गिरोह की दहशत के कारण लोग रात को पहरा लगाने को मजबूर हैं। दहशत ज्यादा ग्रामीण रात को सो भी नहीं पा रहे। हालांकि बच्चा चोर गिरोह की दहशत के कारण अब ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों ने स्कूल तक जाना बंद कर दिया है। सर, बुलंदशहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बच्चा चोरी के सूचना पर बेकसूर लोगों को पीटा जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, सर इस विषय में पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हमने पिछले एक सप्ताह के सारे आंकड़े निकाले हैं और उनकी समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि जितनी भी अफवाहें सब नंबर पे या अन्य माध्यमों से हमको प्राप्त हुई थी बच्चा चोरी के संबंध में, सब कोरी अफवाह थी जिनमें कोई आधार नहीं था, कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं था। और ऐसे सभी मामलों में हमने आदेश दिया है कि अभियोग दर्ज किया जाए, और जो भी लोग इस तरह का माहौल खराब कर रहे हैं या किसी के साथ अभद्रता कर रहे हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो आज शाम तक इस सारे मामलों में अभियोग दर्ज हो जाएंगे, और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि इस तरह की अफवाहों में न पड़े। ये बिल्कुल बिना सिर पैर की निराधार अफवाहें हैं और इनके पीछे कोई सत्य नहीं है, क्योंकि एक भी प्रकरण में कोई ऐसी सत्यता नहीं पाई गई। जहाँ जहाँ भी आए, या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग थे जो किसी गाँव के आसपास भटकते हुए दिखे, उन्हें लोगों ने बच्चा चोर समझ लिया। अस्पताल में 2 किन्नर गए थे जो पैसे आज कमाने के चक्कर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो जाते हैं, उन्हें बच्चा चोर समझ करके अफवाह फैलाई गई। इसी तरह कहीं खेत आदि के पास कोई गाड़ी से उतर के अगर लघुशंका के लिए भी जा रहा है तो बच्चा चोर करके प्रचारित किया जा रहा है। तो लोग अफवाहों से बचें। हम सामाजिक रूप से भी लोगों को जागृत और चैतन्य कर रहे हैं, और वैधानिक रूप से इसमें हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक मंचले की जान उस समय आफत में आ गई जब झांसी की रानी बनी एक छात्रा ने बीच सड़क उसकी जमकर खबर ली। इस मंचले की लात घूसों से खूब खातिरदारी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मंचले को अपने गिरफ्त में लिया और वहां से थाने ले गई, जिसके बाद पुलिस ने लड़के के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला था वो एक भी तहरीर प्राप्त हुई जिसमें एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ कोई उसका पीछा करके उसके साथ बदतमीजी कर रहा था और उसके साथ मारपीट किया। उसकी तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन्स पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, नियमानुसार उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई पूरा मामला सर समझ में आया कि आखिरकार क्यों पीछा कर रहा था, कब से पीछा कर रहा है? हाँ, इसकी जाँच की जा रही है, अभी उसके बयान लिए जाएंगे। और इस तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं, हमारी एंटी रोमियो टीम है, सभी कोचिंग संस्थान और स्कूल कॉलेज में जाती है, डिस्ट्रिक्ट की एंटी रोमियो टीम है। अगर इसकी जांच की जाएगी कि कब से इस तरह की घटना घटित हो रही है, जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उससे भी अभी पूछताछ की जाएगी। जो भी इसमें एविडेंस मिलेंगे उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, एक वायरल वीडियो भी मिला है इसका, लाइव वीडियो जो है पूरी इस मार्केट का, ऐसा कुछ ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है? हाँ, सब कुछ जो इसमें हमें एविडेंस है, चाहे उसको वीडियो हो चाहे फुटेज हो,
या कोई और एविडेंस मिलता है तब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाएगा और विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। ठीक है। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के पाठकपुर इलाके का है। केंद्र सरकार द्वारा तीन तलाक मुस्लिम महिला अध्यादेश को लेकर की जा रही सख्ती का असर जालौन में देखने को नहीं मिल रहा। जालौन में घर बेचने में बाधक बन रही पत्नी को पति ने तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले को लेकर एसएसपी का कहना है कि तीन तलाक का प्रकरण संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तर प्रदेश जनपद फतेहपुर बरौली ग्राम प्रधान पर महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि ना तो हमको पेंशन मिली और ना ही हमारा नरेगा में काम करने का पैसा मिला है। और ग्राम प्रधान ने विकलांग औरत से पेंशन के नाम पर 1500 रुपए का गबन भी किया है। नाबीना है, आपका नाम क्या है? बच्ची लाल। बच्ची लाल है जी। तो ये बताइए कि आपको यहाँ किसने बुलाया है? मैं सिक्योरिटी में बुलाया था। सिक्योरिटी ने बुलाया था। हाँ। आपके प्रधान ने क्या कहा है? आपको पेंशन या आवास या लाइटिंग आपको कुछ मिली है? पेंशन तो खैर बनी है लेकिन आवास लाइटिंग कुछ नहीं मिली। कुछ भी नहीं मिला है ना। तो आपने प्रधान से बात किया है? नहीं, हमारे सुनता ही नहीं प्रधान। प्रधान नहीं सुनता। यहाँ का सिक्योरिटी सिक्योरिटी कहाँ कहाँ तो कहते नहीं, नहीं बनेगा। गरीबों की नहीं सुन रहे हैं ना। देखो ये पैसा मांगने जाती है ना, गरीबों की सुनता ही नहीं। चलिए मैं सरकार से तक आपकी बात पहुंचा रहा हूँ। पैसा मांगने जाती नरेगा में काम किया है, 1 रुपया हमको नहीं मिला। तो नरेगा में काम करवा लिया, पैसा नहीं दे रहे? आपके प्रधान का नाम क्या है? जगरूप। कहाँ के? बरौली के। बरौली। कुछ भी नहीं मिल रहा। आप लोगों को कोई पैसा नहीं मिल रहा? तो ये प्रधान, इसका मतलब है कि सरकार तो पैसा दे रही है तो इसका मतलब खा गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानगर को स्मार्ट सिटी में शामिल कर भले ही विकास का पिटारा खोल दिया हो लेकिन गांव की दशा अभी भी बदहाल है। गांव की अधिकांश गलियां कीचड़ में तब्दील हो गई हैं। ग्रामीणों को कीचड़ युक्त गलियों से गुजर कर जाना पड़ता है। क्या, किस गांव के रहने वाले हैं? डुबरिया। क्या समस्या है आपके यहाँ गांव में? मारो नारा किसान के पास, हम कलाने के बहुत परेशान आएंगे। देखना बहुत है, हम ऐसे ही आने रहता कलान नहीं जा पाओ तो कत आप कलान जाते हो? कैसे जाते होंगे? कैसे भी नहीं जा पाते, तब चले जाते। नहीं 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 जाते। किस गांव के रहने वाले हो? डुबरिया। रामपुर में आज गांधी समाधि के सामने समाज सेवी सतीश भाटिया ने रामपुर में 73वां प्याऊ लगवाया। इस प्याऊ का उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया। इस मौके पर कांग्रेसी नेता संजय कपूर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सतीश भाटिया लगातार रामपुर में समाज सेवा का कार्य करते आ रहे हैं और पानी के लिए जगह जगह प्याऊ लगाते हैं। 26 अगस्त 1979 को हमारे इससे बढ़िया आज उनकी 50वीं पुण्यतिथि है।
मौके पर लोकार्पण किया गया डीएम साहब द्वारा। ये यकीनन ये बहुत ऐसी ऐतिहासिक जगह है, इस जगह हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ से वो पानी पिलाने का। यहाँ गांधी जी की समाधि है, यहाँ प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर हो, तमाम ऐसे मौकों पर लोग यहाँ पे आते, बच्चे आते हैं पूरे जिले के, उनको ठंडा पानी जल मिल पाए। और सबसे बड़ी सेवा दुनिया में अगर कोई है तो जल की सेवा है, अगर प्यासी को पानी पिला दो तो उससे बड़ी सेवा कोई नहीं होती है। तमाम यहाँ पे लोग सुबह वॉक पे जाते हैं, वो लोग आते हैं, उन्हें पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं थी। और ये जहाँ आप खड़े हैं इस जगह पे लोग शाम बहुत बड़ी तादाद में आए, सैकड़ों की तादाद में बैठे थे, बड़ी दूर तक पानी पीने जाना पड़ता था उन्हें। अब शीतल जल, ठंडा जल यहाँ मिलेगा, यकीनन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमें अपने परम पूज्य पिताजी श्री भगवती प्रसाद कपूर जी के 50वीं पुण्यतिथि के मौके पर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम प्याऊ बनाकर लोकार्पण करा सकें। और इसके लिए खास तौर पर जिलाधिकारी महोदय का और सतीश भाटिया जी का, दोनों का